करगिल में 20 साल पहले पाकिस्तान घुसपैठ करने में इसलिए सफल हुआ था क्योंकि वहां भारत की निगरानी मजबूत नहीं थी। लेकिन अब भारत वो गलती दोहराने के मूड में नहीं है। अब भारतीय सेना ने इस दिशा में मजबूत पहल करते हुए निगरानी तंत्र को अपग्रेड किया है। आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत ने बताया कि अब हम बॉर्डर पर निगरानी मजबूत करने के लिए टेक्निकल यूएवी और क्वाडकॉप्टर ले रहे हैं। इनका इस्तेमाल पाकिस्तान सीमा के साथ ही चीन सीमा में भी किया जाएगा। आर्मी के एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि लेह जैसे इलाके में निगरानी के लिए सामान्य यूएवी से काम नहीं होता क्योंकि वहां की भौगोलिक परिस्थिति अलग है, वहां टेक्निकल यूएवी की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अब हम करगिल जैसे किसी सरप्राइज के लिए तैयार नहीं हैं, जब पाकिस्तानी घुसपैठ कर चुके थे और हमें भनक तक नहीं लगी थी। आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत ने कहा कि बॉर्डर पर निगरानी के मामले में हम मजबूत हुए हैं। वैसे तो राउंड द क्लॉक निगरानी होनी चाहिए, लेकिन हमने इतनी क्षमता विकसित कर ली है कि अपने बॉर्डर की पूरी निगरानी कर रहे हैं। यह राउंड द क्लॉक तो नहीं है, लेकिन ऐसे टाइम फ्रेम में है कि अगर दुश्मन कोई भी नापाक हरकत करता है तो तुरंत हमें उसका पता लग जाएगा और हम तुरंत एक्शन ले सकते हैं। आर्मी चीफ ने कहा कि अब हमारे पास सर्चर्स और हेरोन जैसे यूएवी और एयरफोर्स के एयर एसेट्स भी हैं। कारगिल युद्ध के वक्त इंडियन आर्मी के चीफ रहे जनरल वीपी मलिक ने कहा कि करगिल युद्ध करीब 160 किलोमीटर एरिया में निगरानी की नाकामी थी। उन्होंने कहा कि हमें करीब 2 महीने तक पता ही नहीं चला कि वहां क्या हो रहा है। हमारे पास सर्विलांस के उपकरण नहीं थे, हेलीकॉप्टर से भी वहां घुसे दुश्मन का पता नहीं लगाया जा सकता था। हम पूरी तरह पैदल पेट्रोलिंग पर निर्भर थे। वो हमारे इंटेलिजेंस की नाकामी भी थी कि हमें ये पता ही नहीं चला कि पाकिस्तान युद्ध की तैयारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि वहां की भौगोलिक स्थिति के हिसाब से हमारे पास उपकरण नहीं थे, यहां तक कि उस मौसम के हिसाब से कपड़े भी नहीं थे। लेकिन अब पूरी तरह दुश्मन पर टूट पड़ने के लिए भारत ने माकूल इंतजाम कर लिए हैं और बॉर्डर पर निगरानी मजबूत करने के लिए टैक्टिकल यूएवी और क्वाडकॉप्टर लेने के बाद स्थिति बेहद उलट होगी। यानी बॉर्डर पर परिंदा भी पर मारेगा तो सेना के पास पूरी खोज खबर होगी।